दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां जिले के रायपुर करछुलियान उमरी में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उमरी गांव ऐसा पहला गांव होगा जिसमें ग्राम स्तर पर सभी विद्यालयों के बच्चों का सामूहिक सम्मान समारोह संपन्न किया गया। आयोजक टीम के द्वारा कुछ अलग करने की सोच यूनिट फर्स्ट के मुख्य भैया अमर कुमार और उनकी टीम के सारे सदस्यगण बताते हैं कि जैसे ही मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आया वैसे ही इन्होंने सोच लिया था कि कुछ अलग करना है, अपने गांव के बच्चों को प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर में भी पहचान दिलानी है। इसमें गांव के सहायक सचिव नारायण सोनी, सरपंच सरोज मिश्रा, सचिव महेंद्र पटेल और सीएससी सुरेंद्र चौधरी का विशेष योगदान बताया जाता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि थाना प्रभारी रायपुर करछुलियान पुष्पेंद्र यादव ने मेधावी छात्रों को सिल्वर मेडल देकर प्रोत्साहित किया और राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित भावना से काम करने की प्रेरणा दी। तो वही कार्यक्रम में उपस्थित युवा समाज सेवी और पत्रकार मनीष दाहिया ने छात्रों को संदेश देते हुए बताया कि समय और शिक्षक दोनों हमारे गुरु हैं। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि शिक्षक पहले सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, लेकिन वक्त पहले परीक्षा लेता है और बाद में सिखाता है। वही आयोजक मंडल ने आए हुए सारे अतिथि और ग्रामीण लोगों का आभार जताया। 94 को पार किए हैं, ये बहुत कम पढ़े लिखे हैं पर बच्चों को बच्चे लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनको अपनी चीजें इतने अभाव, इतने गांव में इतने संसाधन नहीं होते हैं, फिर भी बच्चे लोग इतने कम अभाव में रहकर पढ़ाई करके अच्छा परसेंटेज लाते हैं, गांव का नाम रोशन करता है। और ऐसा नहीं है कि कोई शहर से ही लाता है, गांव के लोग ही बहुत ऊपर जाते हैं। सुचिता पांडे का नाम सुना होगा जो टॉप की है अभी मैयर से, उसके पिताजी कोई खास वो नहीं किए थे, एक और लड़का है उसके ही माता पिता किसान थे, 99% लाया है, एमपी में टॉप किया है, 99.2% है। आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, या 90 से प्लस वाले कितने हैं खड़े होना, 90% से ऊपर वाले खड़े हो बेटा। क्या नाम है आपका? हरिओम सोनी। कौन सी अभी 10th क्लास थी? 12th। कौन सी स्ट्रीम थी? बायोलॉजी। जनपद पंचायत में तो 4 पंचायत हैं, लेकिन ये पहल इतने लोगों को इकट्ठा करना अपने ग्राम पंचायत में मेधावी छात्रों का सम्मान करने में पहली बार शायद देख रहा सर। और जब आपको बुलाने की बारी है उन्होंने कहा मेरी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि नेताओं को बुलाएंगे तो नेतागिरी होती है, किसी एक ऐसे जावाज अधिकारी को बुलाए जो वास्तविकता में समाज सेवा के लिए 24 घंटा लेता हो, किसी व्यक्ति जो भी कोई व्यक्ति है वो समाज सेवा में 12 घंटे करता होगा या 18 घंटे करता होगा, लेकिन थाना प्रभारी कितना परसेंट है आपका? 65। अन्नू द्विवेदी, सोनी सोनम, अशिवम पटेल, सिंपू केवट, सत्यम पटेल, नमन दुबे, गौरव नामदेव, संदीप, मधु दुबे, और इसमें मीनाक्षी सोनी है 70, और आपका इस बीच भी बहुत अच्छा लगा।